हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए वेज पुलाव, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। वेज पुलाव के लिए हमने लिए आधा किलो मटर, दो गाजर, दो टमाटर और 3 से 4 आलू, एक प्याज, 10 से 12 हरे मिर्च, हरे धनिया, 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 12 से 15 लौंग, लकड़ी और साबुत ज़ीरा। और हमने लिया है चावल, जो घर में हम रेगुलर यूज़ करते हैं। ये करीब आधा किलो के करीब चावल होगा। आप चाहें तो बासमती राइस को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के रख दिया था, जो कि करीब 3 टेबल स्पून के करीब है, और जब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज। इसको तल लेंगे, जितने प्याज काटी थी सब डाल देनी एक ही बारी में। अब हमें प्याज को थोड़ा सा तलना है, हमें ज़्यादा काला नहीं करना है इसे। प्याज हमारी तल चुकी है, अब हम ऐड कर देंगे अपने सारे साबुत मसाले। इन सबको हल्का सा बस हमें रोस्ट करना है, जलने नहीं देना अपने मसालों को और ना ही प्याज को, बस इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हमारी प्याज तल चुकी है, गोल्डन हो चुकी है जैसे मुझे करनी थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कटे हुए टमाटरों को। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें ऑयल में, और इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि चिपके ना। और अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को मैं बहुत बारीक नहीं काटा है, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा स्लाइसेस में काटना है, वरना ये बहुत गल जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। मटर यहाँ पे हमने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें आलू भी डाल दिएगा, सबको अच्छे से मिक्स कर लिएगा सारे वेजेस को। आप इसमें और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे गोभी है या और भी सब्जियाँ जो आपको अच्छी लगती हो आप डाल दिएगा। इसमें नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आप खाते हो नमक। और अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दीजिएगा इसमें। और जो हमने मिर्चे काट करके रखे थे वो हम डाल देंगे अब इसमें। मिर्चे हमें पहले नहीं डाले थे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं दिखते, थोड़े से ग्रीन ग्रीन से अच्छे लगते हैं। सबको मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। पानी बिल्कुल ही रहना चाहिए, सब मसाले अच्छे से भुन जाने चाहिए। हमें सब्जियाँ और सब मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाने चाहिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा मसालों को भुनने के बाद, और आप 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक करके रख दीजिएगा ताकि हमारे भेजेस मुलायम हो जाए। और अब हम इसमें 5 मिनट बाद गरम मसाला डाल देंगे, और धनिया जो हमने काट करके रखा था अब डालेंगे हम इसे। और अब चावल डाल देंगे। चावल का पानी मैंने हटा दिया था, सब चावल इसमें डाल दिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और अब सबको मिक्स कर लेंगे। और एक बार चावल में पानी आप उतना ही रखेंगे जितना कि हमने चावल लिया था। यहाँ पे मैं चावल के हिसाब से ही पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं करना, क्योंकि कुकर में जल्दी से गल जाता है। सब पानी मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से पानी में, और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने रख दिएगा। अब हमारा पुलाव पक चुका है अच्छे से, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे, इसकी सीटी नहीं निकालनी है। अब हमारा पुलाव पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे, ज़्यादा मिलाना मिक्स नहीं करना है इसको। अभी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, मिक्स नहीं हुआ है चावल। अब हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी है, आप इसे दही के साथ ले सकते हैं।